चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने 365.94 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। रुपए की जमीन की गई जब्त, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में यह संपत्ति है। 20 लाख निवेशकों से धोखाधड़ी का मामला, 6 राज्यों में पहले 1489 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की जा चुकी है। ईडी ने धोखाधड़ी केस में 50,000 पन्नों की चार्जशीट भी दाखिल की थी। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में यह संपत्ति है जिसे कुर्क किया गया है। तो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने 365 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया है। 20 लाख निवेशकों से धोखाधड़ी का यह पूरा मामला फिलहाल बताया जा रहा है। 6 राज्यों में पहले ही कई प्रॉपर्टी को अटैच किया जा चुका है और लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। तो आपको बता दें कि ईडी ने धोखाधड़ी केस में 50,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। लगातार इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए चलिए अंकित हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। अंकित, फिलहाल क्या अपडेट है पूरी खबर पर? देखिए, एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय की रही है जी। और प्रवर्तन निदेशालय ने 20 लाख लोगों के साथ जो धोखाधड़ी का पूरा मामला था आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव का, उसके खिलाफ कार्रवाई की है। 365.94 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। प्रवर्तन निदेशालय की राजस्थान इकाई का बड़ा कह सकते हैं एक्शन है। और इनमें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर लैंड, आवासीय वाणिज्यिक भूमि और प्लॉट शामिल है। राजस्थान, हरियाणा, नई दिल्ली में कार्रवाई की गई है। साथ ही 3 करोड़ रुपए के बराबर जो बचत खाते की सावधि जमा और शेष राशि थी वो भी कुर्क की गई है। यह कुर्की आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2020 के तहत जो कार्रवाई की जा रही है उसमें की गई है। इसी मामले में अगर हम बातचीत करें तो अब तक 50,000 पेजों की एक जो अभियोजन शिकायत है वो भी ईडी की ओर से दायर की गई थी। और पूरे मामले में अब तक असेसमेंट के लिहाज से अगर हम बात करें तो 1489.03 लाख रुपए की संपत्ति पहले कुर्क की जा चुकी है। यानी कि जो निवेशकों के साथ धोखाधड़ी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड ने की थी उस पर अब ईडी सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। और इस पूरे मामले में जिन निवेशकों की जो जमा पूंजी हटी गई थी उनको भी न्याय मिलने की उम्मीद है। तो ये पूरी जो इनके चलिए बिल्कुल बहुत धन्यवाद अंकित तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है।